साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं पशु दर्शन। पशुपालन को समर्पित चैनल पशु दर्शन में हम एक बार फिर से हाजिर हैं पशुपालन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों को लेके। तो आइए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। देश के कई राज्यों में ठंडक ने दस्तक दे दी है और रात के तापमान में भी धीरे धीरे गिरावट दर्ज की गई है और आने वाले दिनों में सर्दी का प्रकोप और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। आप जानते हैं कि सर्दी से बचने के लिए हम तरह तरह के उपाय करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि ठंड से बचने के लिए जानवर किस तरह के उपाय करते हैं? तो जो पशु बाहर घूम रहे हैं, जंगलों में घूम रहे हैं, वो अपने सर्दी से बचाव के लिए खुद के स्तर पर उपाय करते हैं, लेकिन जो पशु पालतू होते हैं उनको सर्दी से बचाव के लिए पशुपालक पे निर्भर होना पड़ता है। आइए आज इसी मुद्दे पे चर्चा करते हैं। आपको पता है कि पशु बेजुबान होते हैं, वो अपनी तकलीफ को बोलकर नहीं बता सकते, इसलिए पशुओं को सर्दी से बचाने के लिए हमें ही कुछ ना कुछ उपाय करने पड़ते हैं। आप जानते हैं कि पशु की उत्पादन क्षमता को तापक्रम बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। पशुओं को सर्दी से बचाव के लिए हमें उसके रहन सहन, उसके खान पान और उनके आवास व्यवस्था सभी चीजों पे अपने को ध्यान देना पड़ेगा। अधिकतर पशुपालक ये नहीं जानते कि अत्यधिक सर्दी का पशु के उत्पादन, पशु के दूध उत्पादन और मांस उत्पादन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और हम सर्दी से पशु को बेहतर तरीके से बचा के उन पशुओं से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। मवेशियों की सबसे ज़्यादा मौतें ठंड में ही होती है। ठंड के मौसम में पशु सबसे ज़्यादा बीमार होते हैं। सर्दी में पशुओं को ठंड से बचाने के लिए उनका विशेष ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे में आज हम कुछ ऐसे तरीकों पर बात करेंगे जिससे अपने पालतू पशुओं को सर्दी से बचाया जा सकता है। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि पालतू पशुओं के लिए आवास व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गौशाला या पशुशाला में जल की निकासी की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। शाला का जो फर्श है वो ढलानदार होना चाहिए ताकि पशुओं का जो मूत्र है वो बहकर बाहर निकल जाए और वहाँ कीचड़ और नमी ना रहे। पशुओं के रहने वाली जगह पे ज़्यादा नमी ना होने दें, क्योंकि अगर पशुशाला में नमी बढ़ेगी तो पशुओं के बीमार होने की संभावना बढ़ जाएगी। पशुशाला में बैठने के स्थान पर पराली या पुआल से फर्श पे सूखा बिछावन करना चाहिए ताकि पशुओं के बैठते समय उनके फर्श से उनको ठंड ना लगे। पशुशाला में सूखी बिछावन का प्रयोग रात को करना चाहिए और सुबह सूखी बिछावन को हटा देना चाहिए। समय समय पर पशुशाला की साफ़ सफाई करते रहना चाहिए और साफ़ सफाई करते वक्त चूना या फिनाइल का छिड़काव कर देना चाहिए ताकि वहाँ पे अगर कोई रोगाणु पनप रहे हैं तो उनसे अपने पशुओं को किसी प्रकार की बीमारी ना हो। जहाँ अपने रात को पशु बांधते हैं, पशुशाला के अगर खिड़कियाँ हैं तो उनको तिरपाल या बोरी से ढक देना चाहिए ताकि सीधी ठंडी हवा पशुओं के आवास में ना जाए और आवास का अंदर का जो तापमान है वो भी ऊंचा बना रहे। पशुओं को दिन के समय बाहर खुली धूप में बांध देना चाहिए ताकि पशुशाला के अंदर का फर्श है वो भी सूख जाएगा और रात को उनको गर्मी का एहसास भी होगा। अब बात करें छोटे जानवरों की। नवजात बच्चों और बीमार पशुओं को आपको पता है कि ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत होती है, तो नवजात बच्चों और बीमार पशुओं के शरीर को किसी कंबल या तिरपाल से रात को ढकना चाहिए ताकि उनके शरीर की गर्मी बनी रहे। सर्दी में आहार व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। सर्दी के दिनों में पशुओं को गुनगुना पानी पिलाना चाहिए। पीने के पानी की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। बात करें पशु को नहलाने की, तो अगर बाहर धूप है तो ही नहलाना चाहिए, अगर धूप नहीं है तो पशु को ना नहलाएं क्योंकि ठंड लगने की आशंका बनी रहती है। इसके अलावा हरा चारा और मक्के का सेवन भी कराना चाहिए। पशुओं को बरसीम या अन्य हरा चारा खिलाने से पहले सूखा चारा खिला देना चाहिए या बरसीम के साथ सूखे चारे को मिला के खिलाना चाहिए ताकि पशुओं में अफारा की समस्या ना आए। पशुओं को दिए जाने वाले दाने में खनिज मिश्रण जरूर देना चाहिए ताकि पशुओं में किसी प्रकार की कमजोरी ना आए और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे और वो पशु रोगों से लड़ने के लिए तैयार रहे। सर्दी में दुधारू पशुओं के खाने पिलाने के तरीकों में अचानक बदलाव ना करें, क्योंकि ऐसा करने से उनके दूध उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सर्दी के मौसम में ज़्यादातर जिन बीमारियों का खतरा बना रहता है उनमें है जुकाम, निमोनिया, आफारा और कभी कभी FMD का प्रकोप भी देखा गया है। सर्दियों के दिनों में ठंड की वजह से दुधारू पशुओं और बच्चों में निमोनिया और दस्त की समस्या ज़्यादा आती है। निमोनिया के प्रभाव में ज़्यादातर गाय भैंस के छोटे बच्चे आते हैं और कई बार उनकी मौत भी हो जाती है। पशुओं को समय समय पर रोग प्रतिरोधक टीके लगवाएं। पशु के ज़्यादा बीमार होने की दशा में किसी अच्छे वेटनेरियन को दिखा के उसका इलाज करवाया जाना चाहिए। सर्दी में छोटे पशुओं में आंतरिक परजीवियों यानी पेट के कीड़ों का खतरा बना रहता है, तो कुशल वेटनेरियन की सलाह के अनुसार उनको पेट के कीड़ों की दवा जरूर पिलानी चाहिए। अगर हम इस तरह सर्दियों में पशुओं की देखभाल करेंगे तो पशुओं के बीमार होने की आशंका भी कम हो जाएगी और हम उनसे उत्पादन भी ज़्यादा ले पाएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पशुपालकों को इस बढ़िया जानकारी का फायदा मिले। धन्यवाद।